आफरीन आफरीन बेटा वो लोग दो एक रोज़ में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा सा खाना बना लेना उनके लिए, और अगर कोई सामान चाहिए हो तो लिस्ट बना के अब्बा को दे देना, वो ले आएंगे बाज़ार से। कौन आ रहा है अम्मा? रजा के अम्मा आ रहे हैं बेटा। खैरियत क्यों आ रहे हैं? मुझे तो लगता है वो किसी ख़ास मकसद के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। हमारे अब्बा बता रहे थे कि हारून भाई तो निकलते ही नहीं हैं घर से, चोरों की बीमारी है ना उन्हें बहुत दिन से। अच्छा, तो बस खाना बहुत अच्छा सा बनाना, और कुछ चाहिए तो बस मंगवा लेना, ठीक है? अम्मा वो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, आपको पता है पहले ही हालात। अरे बेटा फिक्र ही नहीं करो तुम, देखो मेहमानों को खिलाने पिलाने से रिस्क तंग नहीं होता, कुशादा होता है। बस अल्लाह करे कि वैसे ही हो जैसा हमने सोचा है। तो रजा को मेरे किरदार पर यकीन है, मेरे किरदार से जुड़ी साजिश की परवाह नहीं है उसे। मुझे भी तो ऐसे ही आला ज़र्फ शख्स चाहिए था जिसकी मोहब्बत में इतनी ताकत हो कि वो दुनिया की तमाम उठती नज़रों से मुझे महफूज कर सके। हेलो आसिया, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो आफरीन? मैं भी बिल्कुल ठीक। कहाँ गायब हो गई हो तुम? इतनी बार मैंने तुम्हें फ़ोन किया, तुमने मेरे फ़ोन का जवाब ही नहीं दिया। बस आफरीन, ऑफिस और घर के हालात ही कुछ ऐसे रहे तो मैं कॉल ही नहीं कर सकी। और सर शावेज ने मेरा सखर ट्रांसफ़र भी कर दिया था। अब जाहिर सी बात है, सखर जाना वहाँ सेटल होना बहुत ही मुश्किल काम था। और उसके बाद तो शादी हो गई। तुम्हारी शादी हो गई है? बहुत मुबारक हो। कब हुई? 15 दिन पहले हुई है। जॉब छोड़ दी तुमने? हाँ, मैंने सर शावेज की कंपनी से रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन दूसरे जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। तुम बताओ आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस घर पर ही होती हूँ। तो तुमने जॉब नहीं की दोबारा? नहीं यार, वो अब्बा ने इजाज़त ही नहीं दी। सर शावेज ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। छोड़ो यार, अब तो मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकती। तुम्हें वो काशिफ याद है? वो जो जुनेद भाई की जगह पर आया था? हाँ वही, जलाल से लड़कर ही था। सर शावेज ने उसे भी जॉब से निकाल दिया था। उसके तो बहुत बुरे हालात हो गए थे, और तुम्हें पता है उसकी बेटी की भी डेथ हो गई थी। बहुत अफसोस हुआ मुझे बेचारा। आसिया तुम किसी दिन घर का चक्कर लगाओ ना। हाँ जरूर आऊंगी। तुम बताओ अंकल आंटी कैसे? हाँ सब ठीक है। बस माँ बहुत रो लिया आपने। हाँ मैं आ गया हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। अकबरी बताओ मुझे क्या होता रहा यहाँ? डैड तो मुझे फोन पे कहते थे कि मॉम का इलाज चल रहा है, मगर नहीं साहब, मैडम का कुछ भी इलाज नहीं हो रहा था। दवाइयां और मसाज तो मैं ही करती थी, जब से साहब ने दूसरी शादी की। व्हाट? शावेज साहब ने दूसरी शादी कर ली है? हाँ जी, साहब ने शादी कर ली, दोनों शहर को गए हैं। जब से उन्होंने शादी की, मैडम ने मसाज कराना और दवाइयां लेना भी खत्म कर दिया था। बहुत गुस्से में रहती थी। शावेज साहब ने दूसरी शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं हुई। मॉम की हालत इतनी खराब थी, उन्हें यूं लाके इस कमरे में फेंक दिया। उनकी हालत इतनी खराब थी, कम से कम तुम तो मुझे फोन करके बता सकती थी, क्यों नहीं बताया मुझे किसी ने? सब कोशिश की थी, मगर बड़े साहब ने बहुत डांटा, मेरा फोन छीन लिया, मैडम का फोन भी छीन लिया। सख्ती से मना किया था उन्होंने, और फिर मेरे पास आपका फोन नंबर भी तो नहीं था,
कैसे बताती? ये ठीक नहीं किया डैड ने, बिल्कुल ठीक नहीं किया। He will pay for it. भाई, मेरी एक बात गौर से सुनो, बल्कि इस घर के सारे मुलाजमों तक ये बात पहुंचा दो कि अगर शाबेश साहब की कॉल आए किस पता नहीं चलना चाहिए कि मैं पाकिस्तान में। जी साहब, हम नहीं बताएंगे, बल्कि कोई भी नौकर नहीं बताएगा। हरबरी, मॉम को रेडी करो, मुझे इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना। मॉम, मैं आ गया हूँ ना, आपका बेटा आ गया। अब प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज चुप हो जाए, मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा।